अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बना रहे हैं इजी से चिकन एंड पोटैटो बाइट्स। इसको आप इवनिंग स्नैक्स में भी ले सकते हैं, या अगर आगे रमज़ान आ रहा है तो आप उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। इसको आप फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं, बहुत ही इजी से हैं। सो लेट्स स्टार्ट, बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे ले लिए हैं 3 to 4 बॉइल्ड पोटैटोस, उसको हम करेंगे मैश। और इसमें मैंने 1 कप ऐड कर दिया है बॉइल्ड चिकन, और मैंने ये लिया है ग्रीन अनियन। आप सिंपल अनियन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बारीक कटा हुआ होना चाहिए, ठीक है। और ये मैंने लिया है कैप्सिकम। कैप्सिकम को मैंने ग्रेट कर लिया, आपने ग्रेट करके ही ऐड करनी है, ऑप्शनल। अगर आप नहीं ऐड करना चाहते तो मत ऐड करें, मुझे इसके जो खुशबू है वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, इसलिए मैंने कैप्सिकम को ग्रेट करके ऐड की है। 1 टीस्पून ऐड करेंगे सॉल्ट, 1 ही टीस्पून ऐड करेंगे कूटी हुई लाल मिर्च, और इसमें साथ ही यहाँ जाएगा धनिया पाउडर। आपने धनिया पाउडर ही यूज़ करना है, और अगर आप जीरा पाउडर यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, उसकी क्वांटिटी कम रखनी है। 2 टीस्पून मैंने धनिया पाउडर ऐड किया है, 1/4 टीस्पून ऐड किया है ब्लैक पेपर, और 1 ही टीस्पून ऐड किया है चिली फ्लेक्स। अच्छा, ये जो मसाले हैं आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, मैंने आपको नॉर्मल स्पाइसेस बताई हैं जितनी होनी चाहिए। अच्छा, 1/2 टीस्पून मैंने जिंजर और गार्लिक पाउडर जो होता है वो ऐड किए, नहीं है तो आप इसका पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पे ऐड किया है 2 टेबलस्पून चिली सॉस। चिली सॉस, अच्छा सोया सॉस भी अगर आपने डालना है आपकी अपनी मर्ज़ी है, ठीक है। इसकी एक अच्छी सी बाइंडिंग लाने के लिए इसमें मैंने 1 एग शामिल किया है, फिर इसको आपने अच्छे से कर लेना है मिक्स। अच्छा, एग से ना ये थोड़ा ज़्यादा स्टिकी और सॉफ्ट हो जाएगा, तो इसको हम बैलेंस करने के लिए इसमें ब्रेड ऐड करेंगे। ब्रेड क्रम्स भी ऐड कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे 2 ब्रेड्स ऐड किए हैं, उनको बिल्कुल छोटा छोटा कर लेना और इसमें अच्छे से आपने मिक्स कर लेना। फिर आप इसको जो भी शेप देना चाहें, अगर आप शामियां बनाना चाहते हैं इसके वो भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पे छोटे छोटे बाइट्स साइज बना रही हूँ स्क्वायर शेप में, तो जो भी शेप आपको सही लगे आप बना सकते हैं, ठीक है। साथ ही मैंने एग जो है वो फेंट लिया, और मैंने ब्रेड क्रम्स यूज़ किए हैं। एग में मैंने थोड़ा सा मिल्क ऐड कर दिया था ताकि इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ जाए, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप ऐड करना चाहे कर सकते हैं। अगर आपके पास एग नहीं है तो कॉर्नफ्लोर की या मैदे की स्लरी बना के यूज़ कर लें, ठीक है। अब मैंने एक बार एग में डिप किया, फिर मैं इसको डिप करूँगी कोट करूँगी ब्रेड क्रम से, और एक हैंड जो है वो आप यूज़ करेंगे एग के मिक्सचर में और दूसरा हैंड यूज़ करेंगे ब्रेड क्रम्स में, नहीं तो आपके दोनों हाथ जो हैं भर जाएंगे और आपके हाथों पे ही जो है सारे ब्रेड क्रम्स लग जाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये आपने हमने स्क्वायर शेप बनाया है, तो आपने इसको 4 साइड से, चारों साइड से आपने अच्छे से कोट करना है, ठीक है। और कोट करने के बाद एक बार इसको फिर अच्छे से शेप दे दें। साथ ही जो ऑयल है वो मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था मीडियम फ्लेम पे, लो टू मीडियम फ्लेम पे, आपने बिल्कुल हाई फ्लेम पे नहीं करना, क्योंकि हमने जो इसको है सिर्फ गोल्डन करना है। अंदर से तो सब कुछ हमारा पका हुआ है, हमने सिर्फ जो क्रम्स हैं उनको गोल्डन करना है। इसलिए मैंने जो पोटैटो बाइट्स हैं वो रेडी कर लिए हैं, बाकी जो थे वो मैंने फ्रीज कर दिए थे। ये ऑयल आपने बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, ये मीडियम मैंने गर्म किया है, ठीक है। इस पर जो है हमने सारे जो भी पोटैटो चिकन बाइट्स बनाए हैं इनको हम कर लेंगे गोल्डन और क्रिस्पी। साथ ही आपने थोड़ी देर बाद 3 to 4 मिनट्स बाद इसकी साइड्स भी चेंज कर देनी है, इतनी देर में ये रेडी हो जाएंगे। साथ ही आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। 6 to 7 मिनट्स में ये मेरे जो इंस्टेंट से पोटैटो चिकन बाइट्स हैं बनके रेडी हो गए थे। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दो इजाज़त, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।